तो दोस्तों आज फिर से स्वागत है हमारी एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप हेल्प बोट के, ठीक है दोस्तों। इसकी सभी कमांड्स के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे ये कमांड्स वर्क करती हैं और क्या काम होता है इन कमांड्स का। तो दोस्तों लेट्स बिगेन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और हेल्पिंग वीडियोज़ के लिए। तो लेट्स बिगेन। तो दोस्तों आपको ये जो ग्रुप हेल्प बोट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं हो तो, ठीक है। तो बोट को स्टार्ट कर लेना आपको, और स्टार्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे पहले जो ये बटन दिखाई दे रहा है एड मी टू योर ग्रुप, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप इसको अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है। और इसको फिर एडमिन बना देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस बोट के अंदर सेंड करना है स्लैश सेटिंग, ठीक है। तो ये सेंड करते हैं तो यहाँ पे आपके ग्रुप के नेम दिखा देगा जिसमें भी आपने इस बोट को ऐड किया है, और वे सिलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस बोट के सभी ऑप्शंस यहाँ पे सामने आ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के बारे में बताऊँगा, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको मेन मेन फंक्शंस मैं इसके बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं रेगुलेशन फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये है रेगुलेशन, तो इससे आप समझ गए होंगे कि रूल्स होते हैं, ठीक है। जो भी रूल्स आप ग्रुप में सेट करना चाहते हैं यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन स्लैश रूल सेंड करता है ग्रुप के अंदर, उसके पास एक मैसेज जाएगा जो भी आपने नोट बना के इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करना है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्लिक करना है कस्टमाइजेशन मैसेज पर, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नोट आपने बना के रखा है कि ग्रुप में कोई भी अब्यूज वाला वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है, और कोई भी लिंक सेंड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये मैसेज सेंड कर दिया यहाँ पे और ये सेट हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपको नीचे मिलता है मीडिया का ऑप्शन, इसके ऊपर आप एक कोई भी फ़ोटो सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे ये फ़ोटो लगा दी, ठीक है। अभी मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है URL बटन, ठीक है। तो जो ये मैसेज है इसके नीचे आप एक बटन भी लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई बटन लगा देते हैं हम URL का, जैसे कि आपके लिए डेमो के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्लिक हियर, ठीक है। आपको कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर देना है, इसका मतलब क्लिक हियर फॉलो मी, ठीक है, जो आप चाहते हैं। और यहाँ पे आपको लिंक ऐड कर देना है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करके सेंड कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रुप में किस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। आपको सेंड करना है स्लैश RULES। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने मैसेज सेट किया था ये मैसेज आ चुका है, और इसके नीचे एक बटन भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप ज़्यादा अच्छा खासा अपने ग्रुप को और एडवांस बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर फ़ोटो भी लगी हुई है जो हमने सेट की थी, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर दोस्तों, ये है एंटी स्पैम। दोस्तों जैसे कि इससे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप नहीं चाहते कि कोई भी स्पैम करे और उसको ये म्यूट कर दे, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि आप उसको वॉर्न करना चाहते हैं, किक करना चाहते हैं, म्यूट करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, या परमानेंट म्यूट करना चाहते हैं यहाँ पे बैन, आप इन चारों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज़ इसको यहाँ पे आप ऑफ़ कर सकते हैं पनिशमेंट को, और उसके मैसेज को डिलीट करने के लिए बस यहाँ पे ऑन कर सकते हो इसको, ठीक है। डिलीट मैसेज, जस्ट ये उसके मैसेज को डिलीट कर देगा और कोई भी वार्निंग या उसको म्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको मिलता है यूज़र नेम दोस्तों, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। यूज़र नेम कैसे दोस्तों, कोई भी एट द रेट लगा के यहाँ पे अपने चैनल का यूज़र नेम सेंड करता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, और वह बोलेगा कि ज्वाइन कर लो मेरे चैनल को, तो पर्सन आपके ग्रुप को लीव करके उसके चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको ऑन करते हो तो उसके मैसेज को ये डिलीट कर देगा दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं बोट एंटी स्पैम, ठीक है। कोई भी बंदा ग्रुप में आपके ग्रुप में कोई भी बोट ऐड करता है तो ये उसको म्यूट कर देगा और उस बोट को किक कर देगा, ठीक है।
अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर दोस्तों। यहाँ पे टोटल लिंक ब्लॉग दिखाई दे रहा है आपके सामने, इस पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, कोई भी पर्सन लिंक सेंड करता है आपके ग्रुप में, कैसा भी लिंक, ठीक है, उसको आप चाहे तो वार्निंग भी दे सकते हैं यहाँ पे ऑन करके। जैसे कि वॉन पे क्लिक करते हैं तो उसको एक वार्निंग मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे का भी ऑप्शन दे रखा है, म्यूट का दे रखा है, बैन का दे रखा है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कर देगा आप जो भी आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अदरवाइज इसको आप ऑफ करके यहाँ पे ओनली डिलीट मैसेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी लिंक सेंड करता है उसका मैसेज डिलीट हो जाएगा, पर वे पर्सन किक भी नहीं होगा, बैन भी नहीं होगा, म्यूट भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब बैक कर लेते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, फॉरवर्डिंग पर दोस्तों, ठीक है। जो फॉरवर्डिंग है दोस्तों, इसको आप ऑन करते हो तो कोई भी पर्सन अपने चैनल में से कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करता है आपके ग्रुप में, ठीक है, तो ये उस मैसेज को डिलीट कर देगा और उस पर्सन को भी म्यूट कर सकता है, किक कर सकता है, बैन कर सकता है, जो कि मैंने आपको पहले ही और ऑप्शंस में बताया है कि ऑप्शन क्या क्या काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप बैक कर लेते हैं और आप चलते हैं हमारे वेलकम बटन पर दोस्तों, ठीक है, वेलकम कमांड पर दोस्तों। यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैसेज भी कस्टम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मैसेज, जैसे कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है आपके ग्रुप को उसको क्या मैसेज मिलना चाहिए। पहले में तो टेक्स्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं कि उसकी आईडी दिखाने के लिए आप जैसे कि यहाँ पे हाय यूज़र लिखते हैं और यहाँ पे जो ये ऊपर ये कमांड ये दे रखी है कमांड सी, ठीक है, ये आप ऐसे करते हैं तो उसकी यहाँ पे आईडी नंबर दिखाई देगा और यहाँ पे ये इस तरह का ये नेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर और ये लगाते हैं तो उसका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडवांस वेलकम मैसेज सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों इसके नीचे मीडिया का भी ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर जैसे कि कोई भी वेलकम मैसेज कोई भी ज्वाइन करता है उसके एक मैसेज भी मिलेगा और वो भी फ़ोटो के साथ, ठीक है। और उस मैसेज के नीचे आप कोई भी लिंक लगाना चाहते हैं तो नीचे बटन दिया गया हुआ है URL बटन दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अभी चलते हैं यहाँ पे और नीचे, ठीक है, ऑलवेज सेंड, कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है तो उसको मैसेज जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंड वन यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है ओनली उसके लिए एक पर्सनल मैसेज जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई 5-6 पर्सन ज्वाइन करते हैं इकट्ठे तो बस उनके लिए एक मैसेज नहीं जाएगा, अलग अलग करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका ये भी कर सकते हैं सिलेक्ट डिलीट लास्ट मैसेज, जैसे कि एक मैसेज जा चुका है, कुछ किसी ने भी पर्सन जो है ज्वाइन किया आपका ग्रुप उसके लिए एक मैसेज गया और फिर से एक और पर्सन ने आपका ग्रुप ज्वाइन किया तो पहले वाला मैसेज डिलीट हो जाएगा और दूसरा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो बैक कर लेता हूँ मैं, अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ कमांड पर दोस्तों, एंटी फ्लड, ठीक है। एंटी फ्लड से आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, कोई भी पर्सन 5 सेकंड्स के अंदर लगभग 5 या 6 मैसेज सेंड करता है तो आप उसको वार्निंग के लिए भी यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो तो वार्न कर देगा ये, या उसको किक कर देगा, म्यूट कर देगा, आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैसेज पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि 5 सेकंड के अंदर वो कोई भी पर्सन कितने मैसेज भेज सकता है, जैसे कि 5, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इनसे ज़्यादा सेंड करेगा, ठीक है, तो आप ये बोट उसका मैसेज डिलीट कर देगा आप चाहेंगे, या उसको बैन कर देगा, म्यूट कर देगा, ठीक है, या उसको टाइम लिमिटेड म्यूट कर देगा, जैसे कि 5 मिनट के लिए म्यूट कर देगा अगर आप इस सेट म्यूट ड्यूरेशन पे क्लिक करके टाइम सेट करते हैं तो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर दोस्तों, इसका मतलब नेक्स्ट कमांड पर, कैचअप। तो कैचअप से आप समझ ही गए होंगे, कोई भी पर्सन आपके ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसको एक कैचअप मिलेगा कि आई एम नॉट रोबोट, ठीक है, तो उसको वो सॉल्व करना होगा, ईजिली ही वो सॉल्व कर लेगा इस कैचअप को अगर वो रियल होगा, ठीक है, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग होगा, ठीक है। तो ये जो चेक का नेक्स्ट कमांड दिखाई दे रहा है ये इतना ज़रूरी नहीं होता, इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं, इससे नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एडमिन का, ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये बस जो यूज़र्स है वे ही यूज़ कर सकते हैं, बस आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ब्लॉक लिंक्स पे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक लिंक्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लॉक
बोट ब्लॉक, ज्वाइंट ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों कोई भी पर्सन आपके ग्रुप को ज्वाइन करता है, वहाँ पे एक नीचे मैसेज आता है कि ज्वाइन दिस पर्सन, ये पर, इस पर्सन ने ये पर्सन ज्वाइन हुआ आपके चैनल में, ठीक है, या ग्रुप में, ठीक है। तो उस मैसेज को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इन सभी ऑप्शन में से तो एक ही ऑप्शन आपके ग्रुप के लिए हेल्पिंग होगा, जो मैं सजेस्टेड करूँगा वो है बोट ब्लॉक का, ठीक है दोस्तों। इसको आप ऑन कर लेना, और कोई भी बोट ज्वाइन करता है आपके ग्रुप में, ठीक है, कोई भी अनदर पर्सन ऐड करता है आपके ग्रुप में, तो उसको ब्लॉक कर देगा, म्यूट कर देगा, ठीक है, किक कर देगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर दोस्तों, मीडिया पर। यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन में आपको हर एक टाइप की मीडिया मिल जाएगी, जैसे कि स्टिकर, एल्बम, जी गिफ्ट, समझ सकते हैं आप, वॉइस भी कोई स्टिकर भी सेंड करता है या ऑडियो सेंड करता है, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस पर्सन को म्यूट कर देंगे, बैन कर देंगे। आप ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि म्यूट का आप इससे समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए, कोई भी पर्सन वीडियो सेंड करता है ग्रुप में तो म्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीट का भी दे रखा है, अगर यहाँ पे डिलीट के इस डस्टबिन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वीडियो को आप भी वे क्या कर सकता है, म्यूट भी कर देगा उसको, और उसके मैसेज को भी डिलीट कर देगा, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फोर, ठीक है। तो दोस्तों इससे आप समझ ही गए होंगे, जो ये आपको बाय करना होगा, ठीक है, और कोई भी पोर्नोग्राफी आपके ग्रुप में सेंड करता है तो इसको डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको वार्निंग का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वार्निंग आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही कोई भी पर्सन को ये बोट वार्निंग देता है तो कितने टाइम तक आपको, जैसे कि उस पर्सन को कितनी वार्निंग मिलनी चाहिए, जैसे ही कोई भी पर्सन 3 या 4 बार लिंक सेंड कर देता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको बैन करके भगा देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फोर करते हैं, ठीक है, उसको एक बार लिंक सेंड किया, दूसरी बार लिंक सेंड किया, ठीक है, उसको वार्निंग मिलेगी, 4 बार उसने भेज दिया लिंक तो ये ऑटोमेटिकली उसको बैन कर देगा, किक कर देगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर दोस्तों। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है नाइट का, ठीक है। नाइट पे आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे नाइट के ऑप्शन को आप एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा आपके ग्रुप के अंदर। इसका मतलब नाइट मोड से आप समझ ही गए होंगे कि रात के वक्त कोई भी पर्सन मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट इस टैग वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आपको ये बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैक कर लेते हैं हम, और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लिंक सेट का, ठीक है, लिंक कमांड, इसको आप लीव कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं लास्ट कमांड पर दोस्तों, अप्रूव मोड पर, ठीक है। ये अप्रूव मोड आप समझ ही गए होंगे, इसको ऑन करते हैं और कोई भी पर्सन आपके ग्रुप में ज्वाइन करता है पहले तो उसको कैचअप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप चाहते हैं कि वे पर्सन आपके ग्रुप में ज्वाइन हो या ना हो, आप उसको परमिशन देंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतने ही कमांड्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।